हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडियोलॉजिकल। और आज हम अभी एक बड़ी सीबीएसई की अपडेट के साथ आए हैं, जिसमें सीबीएसई ने खुद लिखा है कि एप्टीट्यूड टेस्ट देकर 11वीं में विषय का चुनाव कर सकेंगे छात्र। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल क्लियर तरीके से कि क्या है ये माजरा। तो देखिए दोस्तों, आप जैसे कि टाइटल में आपने पढ़ा ही होगा कि 0% में या आप ले सकते हैं कि कम परसेंट में आप कैसे अपनी जो फेवरेट स्ट्रीम है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसलिए सीबीएसई ने करा है ताकि जो बच्चे हैं, ये एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है कि आप जो इंट्रेंस के बेस पे जो आपका टेस्ट होता है वो देकर आप अपनी स्ट्रीम ले सकते हैं। तो ये इसलिए रखा गया, आपको इससे नाम से ही मालूम हो रहा होगा कि इससे पता चलता है कि आपके कौन से स्ट्रीम में इंटरेस्ट है। देखिए, इंटरेस्ट के बेस पे हर चीज़ आपको लेना चाहिए। और कई सर्वे के अनुसार कई लोग, बड़े एक्सपर्ट बताते हैं कि कई लोग बच्चे जो होते हैं वो अपनी ज़िद करते हैं कि हम भाई विज्ञान पढ़ेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने इंटरेस्ट के बेस पे ही जो है स्ट्रीम वो लेना चाहिए, वरना आपका साल भी बर्बाद हो सकता है। इसके आगे पढ़ें तो ये देखिए, आपको ये रिपोर्ट मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आप एक एक लाइन पढ़ सकते हैं एकदम अच्छे से। और जैसे कि मैं आपको बता दूं तो सीबीएसई ने इसलिए लिया है क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपना जो इंटरेस्ट है उसके बेस पे चीज़ें नहीं लेते। देखिए, इंटरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। मान लीजिए अगर कोई आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, एसएसटी में इंटरेस्ट है मान लीजिए, तो वो बच्चा एसएसटी आर्ट्स ना लेके अगर वो साइंस ले लेता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो कैसे वो चीज़ पढ़ पाएगा। दोस्तों, फिर हम आगे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीबीएसई ने खुद कहा है कि सही निर्माण के लिए निर्णय के लिए हो सकता है आपका पूरा साल बर्बाद, सही निर्माण होना चाहिए। और 12वीं के कई टॉपर्स, ही मैं खुद नहीं कह रहा, ये कई टॉपर्स ने खुद इंटरेस्ट के बेस पे लिया है। आप खुद ही, आप कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें भी टॉपर्स हैं, अभी 13 टॉपर्स हैं, उनमें से कई बच्चों ने आर्ट्स लिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अगर आप 60% वाले हैं तो कॉमर्स मिलेगा, या जो बंदा खाली पास है उसको आर्ट्स मिलेगा, और जो 90 प्लस वाला या 85 प्लस वाला है तो उसको साइंस मिलेगा। तो देखिए, ऐसे मार्क्स के बेसिस पे सीबीएसई ने ये यहाँ पे इंडिकेट करा है कि मार्क्स के बेसिस पे आप किसी को नहीं ले सकते, आप इंटरेस्ट के बेसिस पे लीजिए और एप्टीट्यूड टेस्ट देकर आप अपना स्ट्रीम ले सकते हैं, चाहे आपके 60% आए हों, चाहे आपके 70% आए हों या 90% आए हों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ है, अगर आप आपके स्कूल में या नज़दीकी स्कूल में एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं हो रहा है तो आप सीबीएसई को भी डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं और इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको अपडेट, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे। अगर और अपडेट की, सीबीएसई के अपडेट के साथ बने रहिए हमारे चैनल पर। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।